traveling wave tube, यानि TWT, traveling wave tube हमारे एक microwave tube है जिसमें कोई cavity present नहीं होती। ये हमारे radio frequency signal को amplify करने के काम आते हैं और उसको send करती है। ये एक broadband device है जो कि electron beam और हमारे जो radio frequency signal होता है उसमें impression produce करता है और हमारे signal को amplify करता है। इसके कंस्ट्रक्शन में एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक साइड इलेक्ट्रॉन गन कंबाइन होती है और दूसरी साइड कलेक्टर कंबाइन होता है और बीच में हेलिक्स हमारी कंबाइन होती है। ये एक कॉइल होती है जो इंट्रैक्शन करने के काम आती है। ये है हमारे ट्रैवल वेव ट्यूब। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो हम अपनी हेलिक्स के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इनपुट करवाते हैं जिसपे हमें एम्पलीफाई करना है। जब हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट होता है तो हमारे दूसरे साइड से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो प्रोड्यूस होता है। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट करवाते हैं तो हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हेलिक्स के थ्रू, जो कि हेलिक्स के थ्रू प्रोपगेट करती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है हेलिक्स के सेंटर में। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपगेट होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेव में प्रोपगेट करती है। जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जनरेट होती है, ये ट्रैवल करती है लाइट की वेलोसिटी के साथ जो मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ हेलिक्स पिच टू द हेलिक्स सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। जब हमारी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हेलिक्स की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमने इनपुट करवाया था और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोपगेट मूव करते हैं हमारे हेलिक्स की तरफ, जो रेडियो हेलिक्स के पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अर्लियर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हेलिक्स में एंटर करते हैं जिस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट के कारण जनरेट हुई है, ये आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। जो हेलिक्स का काम होता है हमारे हेलिक्स को जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इंट्रैक्शन करवाना, ये उसमें इंट्रैक्शन करवाती है जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है और दोनों आपस में इंट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे हेलिक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो कि इंट्रैक्शन करते हैं और इसके बाद हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट पे हमारा आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल देते हैं। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इंट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देते हैं और आउटपुट पे हमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होता है और उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स हेलिक्स से मूव करके कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं। हेलिक्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम लेटर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और कलेक्टर पे हमारे अर्ली रेफरेंस और लेटर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते हैं। और इसमें जब हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होती है, आउटपुट पे जो हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल जो कि वीक होता है उसे एम्पलीफाइड करते हैं हम अपने हेलिक्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके थ्रू, तो हमारे जो आउटपुट पे हमारा सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के कारण हमारा सिग्नल एम्पलीफाइड हो जाता है और जिससे उनकी सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और इस सिग्नल को हम सेंड करते हैं। ये सिग्नल हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है जिस सिग्नल को हम सेंड करते हैं। इस तरह ही हम ट्रैवल वेव ट्यूब से बहुत सारे ट्रैवल वेव ट्यूब का यूज़ करके अपने सिग्नल को और मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें इसकी जो एप्लीकेशंस है कि ये लो नॉइस प्रोड्यूस करती है, ये ब्रॉडबैंड डिवाइस है माइक्रोवेव रिसीवर का और ये एज ए रिपीटर भी वर्क करती है जो वाइड बैंड कम्युनिकेशन लिंक बनाती है। ये हमारे एम्पलीफाइड सिग्नल को रिपीटर का काम करती है, यानी कि हमारा जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको हम अगेन
दूसरे ट्रैवल वेव ट्यूब से हम उसको एम्पलीफाइड सिग्नल को और एम्पलीफाइड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद यूज़ कर सकते हैं और अपने सिग्नल को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। यह है हमारी ट्रैवल वेव ट्यूब TWT।